संयुक्त नर्स संघर्ष समिति की प्रदेशव्यापी आह्वान पर बुधवार को अलवर, बहरोड, खैरथल सहित पूरे प्रदेश के जिला अस्पतालों में 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया। नर्स की 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर 18 जुलाई से आंदोलनरत है। अब 24 अगस्त तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, इसके बाद 25 अगस्त को जयपुर में जुटेंगे। नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश सचिव राहुल यादव ने बताया कि कार्य बहिष्कार कर सरकार को संदेश दिया है कि 18 जुलाई से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। अब हम 24 अगस्त तक कार्य बहिष्कार करेंगे, इसके बाद 25 अगस्त को जयपुर में महारैली करेंगे। हमारी मांगे 2 है, जरूरत के अनुसार पदोन्नति की जाए, हमारा आंदोलन जायज है, इसलिए सरकार को उनकी मांगों पर गौर कर पूरा करने की जरूरत है। अब नर्सें जिन मांगों से पीछे हटने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमारी 2 प्रमुख मांगों से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है, फिर भी गहलोत सरकार नहीं सुन रही। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते हुए नहीं थकूंगा। अलवर शहर में अस्पताल गेट के बाहर नर्सिंग कर्मियों का धरना जारी है। यहां नर्सिंग कर्मी 18 जुलाई से धरने पर है। अब 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार भी रहेगा। सुबह के समय अस्पताल में मरीज भी अधिक आते हैं, जिससे अस्पताल में मरीजों के इलाज पर असर पड़ेगा। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया है। ये आपको पूरा 1 महीना हो गया है प्रदर्शन यहाँ करते करते, लेकिन सरकार अब तक कोई सुनवाई नहीं करती है। अगर आगे सुनवाई नहीं की जाती है तो किस तरह का कदम रहेगा आपको? जैसे कि हमारे प्रदेश के स्तरीय नर्से संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि सरकार ने अभी तक हमारे से कोई सकारात्मक वार्ता नहीं करी है हमारी 11 सूत्री मांगों के संबंध में। आज से दिनांक 24 तारीख तक प्रदेश की संपूर्ण नर्सेज सुबह 8 से 2 बजे तक कार्य बहिष्कार करेगी, जिससे आमजन को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि सरकार फिर भी नहीं सुनती है हमारी, तो 25 तारीख को राजधानी के अंदर नर्सेज एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें राजस्थान की कम से कम 40 से 50 हज़ार की संख्या में नर्सेज वहाँ आंदोलन करेगी। क्या नाम है? राहुल यादव, प्रदेश सचिव, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन।